गर्मी का प्रकोप जहां लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं सब्जियों के रेट भी अब आसमान छू रहे हैं। सोनीपत की सब्जी मंडी में मटर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जियां खराब हो गई है, अभी रेट कम होने की संभावना नहीं है। सब्जी विक्रेता रमेश ने बताया कि गर्मी में खेतों में खड़ी सब्जियों की फसल खराब हो गई है, जिस वजह से सब्जियों की कीमत में उछाल देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन दिनों अधिकतर सब्जियां जैसे हरी मटर, शिमला मिर्च, टिंडा अन्य राज्यों से आ रहा है, जिसकी वजह से हरी मटर फिलहाल 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है और गोभी, शिमला मिर्च भी 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सब्जियों के रेट कम होने की संभावना नहीं है और भी अधिक बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सब्जी मंडी में मटर बहुत ही कम नजर आ रहा है। कुछ सब्जी विक्रेता मटर रखे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि हरी मटर के खरीदार अब कम ही नजर आ रहे हैं। गृहिणी महिला 200 रुपए किलो मटर लेना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए उन्होंने मटर खरीदना बंद कर दिया है और अन्य जो सस्ती सब्जियां हैं उन्हें खरीद रहे हैं। महंगी सब्जियां खरीदने से उनकी रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। मटर भी 200 रुपए किलो है, गोभी 100 रुपए किलो है, शिमला मिर्च 30 रुपए है, दलिया 50 की है, घिया 50 रुपए, तोरी 40 रुपए है और नींबू 40 रुपए हो रहा है जी। अच्छा, ये रेट क्यों बढ़ रहा है? गर्मी के कारण बढ़ रहा है जी। मटर कहाँ से आती है? मटर बाहर से आती है। बाहर से कहाँ से? शिमला से। और सब्जियां बाहर से कौन सी आ रही है? बाहर से शिमला आ रही है, शिमला की गोभी आ रही है, बाहर से अरबी बाहर से आ रही है और नींबू बाहर से, टिंडा 80 रुपए किलो है, टिंडा ही बाहर से आ रहा है। कम होने की संभावना है? मुश्किल है जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।